कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड 39 के प्रशासक मोहम्मद जसमुद्दीन के नेतृत्व में दूसरा राउंड का स्वास्थ्य साथी कैंप श्री विशुदानंद सरस्वती विद्यालय में लगाया गया है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना फॉर्म भरा और इस मौके पर उपस्थित थे जोरा सकू के पूर्व विधायक संजय बख्शी एवं वार्ड प्रशासक मोहम्मद जसमुद्दीन। और बासिंदगा ने 39 नंबर वार्ड सभी लोगों के जानिब से मैं तहे दिल से फकरे बंगाल वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तवारीख के पन्ने पर सुनहरे लफ्जों से ममता बनर्जी का नाम लिखा जाएगा। हम लोग बचपन से यही देखते आए कि सरकारी काम के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी का नाम है ममता बनर्जी, एक बार फिर रोजे रोशन की तरह आया हो गया कि ममता बनर्जी का नाम सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है बल्कि उनके दिल में अवाम के लिए ममता ही ममता है। और इसलिए लोगों के लिए घर घर सरकार, सरकारी जो दफातर है खासतौर पर 10-11 जो दफ्तर है और बहुत ही अहम दफ्तर है जिस दफ्तर की जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान को जरूरत पड़ती है, ऐसे तमाम दफ्तरों को एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार चार बार ब्लॉक सतह पर, वार्ड सतह पर, पूरे बंगाल में और शहर कलकत्ता में वार्ड सतह पर कैंप लगाया जा रहा है। ये दूसरा कैंप है श्री SBS स्कूल, SBS विद्यालय, श्री विशुदानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हिंदी मीडियम हायर सेकेंडरी हिंदी मीडियम, ये स्कूल कलकत्ता का सबसे बड़ा हिंदी स्कूल है। अब मुझे फख्र है कि मैं 39 नंबर वार्ड में, ये मेरे वार्ड में है, मुझे फख्र है। और मैं तमाम ऑफिशियल्स जो SBS स्कूल के तमाम ऑफिशियल जो हैं, मैं उनको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना स्कूल का प्रांगण इस नेक काम के लिए, इस सरकारी काम के लिए उन्होंने दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको एक तफसीली रूप में बता सकता हूँ कि ये लंबी कतारें जो है वो राशन कार्ड के लिए है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 के टाइम में और कोरोना के वक्त में 6-9 महीना तक लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया और यहाँ पर लोगों के अंदर में एक जागरूकता भी आई है कि राशन कार्ड की अहमियत क्या है। और फिर ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि आइंदा साल 2021 जून तक 1 साल मुफ्त में राशन दिया जाएगा। उससे भी लोगों में एक बिदारी आई है कि राशन कार्ड की अहमियत क्या है। और तीसरा ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर क्या यह हकीकत है कि 2021 में ममता बनर्जी की सरकार तीसरी बार बनी तो ताहयात फ्री में राशन दिया जाएगा। ताहयात जितने लोगों के पास राशन कार्ड होगा सबको, मगरबी बंगाल के 8 से 9 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसीलिए आप जानते हैं कि आज राशन कार्ड की अहमियत बढ़ी है। जब पिछले 9 महीना मुफ्त में राशन दिया गया, इधर 1 साल आइंदा दिन 1 साल राशन मुफ्त में दिया जाएगा और मुस्तकबिल में ताजिंदगी राशन मुफ्त में दिया जाएगा, जिसकी वजह से राशन कार्ड की अहमियत बढ़ी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग खाद्य साथी का पहला जो कैंप लगाए थे उसमें 2 कैंप लगाए थे, इस बार खाद्य साथी का हम लोग काफ़ी तादाद में बनाए हैं, काफ़ी बढ़ा दिए हैं, मैंने 6-7 काउंटर लगाए ताकि लोग यहाँ से फॉर्म दस्तियाब करें और वहाँ फॉर्म फिलअप करने का भी इंतज़ाम है। यह है खाद्य साथी, मैंने राशन कार्ड बनाने का, चूँकि लंबी कतार इसलिए है कि हम आगे फॉर्म नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी के घर में 4 कार्ड है, 2 कार्ड सिर्फ बनाना है तो अलग फॉर्म है, अगर बच्चों का बनाना है तो अलग फॉर्म है। तीसरा राउंड का कहाँ पे कैंप लगेगा? तीसरा राउंड का मैं आ रहा हूँ, पहले मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। आप देख रहे हैं कि लाइन से मैं आपको बोलूँगा, 1 नंबर से लेकर के आपका 16 नंबर और फिर यहाँ से 23 नंबर तक है। और आपको यहाँ पर मालूम है जो जो इवेंट्स है सभी मालूम है आप लोगों को, स्वास्थ्य साथी से लेकर जितना भी इवेंट्स है यहाँ पर सब है। तो ये तमाम आज सेकंड कैंप है, अब तीसरा कैंप
BYS ना बड़ा बाजार BBYS बड़ा बाजार युवक सभा, बड़ा बाजार युवक सभा, ये आपका इसी के पीछे में जस्ट, इसी के पीछे में 12 नंबर मित्रा लाइन बड़ा बाजार युवक सभा में तीसरा कैंप लगेगा 12 जनवरी को। तो हम लोग चार मौका दे रहे हैं, पहला मौका दिया, दूसरा मौका है, तीसरा 12 जनवरी को है और चौथा 29 जनवरी को होगा, वो कॉलेज स्ट्रीट विधानसरानी के नीचे में जो ब्रिज है वो ब्रिज के नीचे में हम लोग 29 तारीख को करेंगे। तीसरा कैंप हमारा BBYS में होगा 12 नंबर मित्रा लाइन में बड़ा बाजार युवक सभा। आज कितने आदमी इकट्ठा हुए हैं ये सब कराने के लिए? अभी तक तो जो सुबह से 9:30 बजे से जो हम रिपोर्ट लिए कम से कम 2000 लोग तो पार हो गए होंगे, 4,500-5,000 मिनिमम 2000 लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए आज और 5 बजे तक चलेगा, 5,000-6,000 लोग जहाँ तक हम आशा है। पिछले बार भी हम देखे थे 5,000 क्रॉस कर गया था और इस बार भी 5,000 क्रॉस कर देंगे। एक बड़ा तबका जो है माइनॉरिटीज के अंदर में जो 2 बजे के बाद आता है, खाना वाना बना करके 2 बजे के बाद आता है और ये इसलिए विश्वनाथ ने किया है, यहाँ एटमोसफियर देख रहे हैं आप, अच्छा एटमोसफियर है, लेडीज़ की तादाद ज़्यादा, हम लोग लेडीज़ का लाइन अलग किया है, जेंट्स का लाइन अलग किया है। तो एक बार फिर मैं तहे दिल से ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आम जनता से ये कहता हूँ कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 10 वर्षों से जो काम किया है हिंदुस्तान में एक मिसाल है, सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा। और मैं तमाम लोगों से यह अपील करूंगा कि जिस तरह के सरकार को द्वार में पहुंचाए हैं और जिस तरह से आज भी आपने देखा होगा 9.5 लाख 12th क्लास के स्टूडेंट को जो है 10,000 रुपये करके दिया जाएगा स्मार्टफोन के लिए और लैपटॉप के लिए, इसमें कोई अलग से नहीं, जो 12th में है सारे पश्चिम बंगाल में जितने 12th के स्टूडेंट हैं सभी को बाजाबता उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये करके चला जाएगा। आज ही आपने सुना होगा 16,500 नए टीचर्स लिए जाएंगे, 16,500 नए टीचर्स जनवरी फरवरी के अंदर में ले लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जिस तरह से हर सूबे में काम हो रहा है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो लोगों जो स्वास्थ्य साथी 5 लाख रुपये का जो है 10 करोड़ मगरी बंगाल के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का डिजिटल कार्ड मिलेगा और 150 अस्पताल में जो है इसका इलाज मुफ्त में होगा, यहाँ तक कि आप भेलूर में भी जाके कर सकते हैं, एम्स में कर सकते हैं, आप अपोलो में और आमरी में कर सकते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर में कर सकते हैं। तो 150 अस्पताल में आपको ये सहूलत मिलेगी और चूंकि हम लोग स्वास्थ्य साथी देखिए 6 काउंटर है लेकिन चूंकि हम लोग 2 दिन से 21 और 22 घर घर हम लोग फॉर्म दिए हैं, लोग फॉर्म हम लोग बस्ती बस्ती में फिलअप करके आए, यहाँ सिर्फ जमा दे रहे हैं, यहाँ घर घर पहुँचाए हम लोग का, घर घर लोगों को दिया, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम हो रही है क्योंकि राशन कार्ड का जो मामला है वो फॉर्म हम लोग बिल ही नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमारी सीमाएँ हैं, जहाँ तक यदि हमारी रुकावटें हैं कि इसमें ऑफिशियल बात करते हैं, अगर जिसके घर में कलर टीवी है, किसी का गाड़ी है तो वो अलग फॉर्म होगा, वो सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से राशन कार्ड बनेगा। लेकिन जो गलत है बहुत सारा भरना पड़ता है, आपके घर में टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, पूरा बहुत सारा कॉलम्स है तो कॉलम्स को भरना पड़ता है, भरने के बाद में फॉर्म देना पड़ता है। पिछले है करतार हम लोग काफ़ी तादाद में हैं, अभी मैं आया हूँ, 5 बजे तक मैं रहूँगा यहाँ पर, आप लोगों का ताउन चाहिए। एक बार फिर दिल की गहराई से ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता ये तय कर चुकी है कि पिछले 10 वर्षों में जो काम पश्चिम बंगाल में हुआ है और हम लोग तो ममता बनर्जी के आदि हो गए, हम ममता बनर्जी के बिना रह नहीं सकते, हम लोग आदि हो गए, ममता बनर्जी के बारे में के बगैर रहना मुश्किल है और ममता बनर्जी भी हम लोग के बगैर नहीं रह सकती। कहते ना कि पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरह अवाम के बगैर ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर अवाम जिंदा नहीं रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला जिससे हम फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन पे था मेरा 3 महीना का, जिससे मेरे पास राशन उठाने के लिए मेरा कोई प्रूफ नहीं था, जैसे भी काउंसलर गए थे वहाँ जाने के लिए 3 महीना का राशन कार्ड था, ये बड़ा ज़्यादा जैसे पुराना राशन कार्ड है वो भरे हमको 3 महीना का राशन कार्ड मिला था और इसके साथ साथ 3 महीना का राशन कार्ड टोकन के बाद पार्टी ऑफिस से हमारे पास कॉल आया, आपका राशन कार्ड का 3 महीना का वैलिडिटी खत्म हो गया, आपका पास फिर एक फॉर्म भरा रहा है 6 महीने का, उसमें आप ये करिए, फिर हम 6 महीने का राशन कार्ड का कूपन भरे हैं तो उसके साथ ही साथ मेरा ओरिजिनल राशन कार्ड है। दूसरे इससे यस आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जिया होता है। जानकारी मिला काम इस चीज़ का जानकारी चाहिए, यहाँ पर फैम थोड़ा क्यों काम मिला जानकारी? वही तो अगले बार ब्रांच बना था उसी वक्त। अच्छा राशन कार्ड भरने आए? राशन कार्ड। कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के? आप कहाँ के रहने वाली? 11 मार्केट से, यही वहाँ पे खड़ी नहीं। इसलिए आपका राशन कार्ड नहीं था? हमारा है, हमारा बच्चे का नहीं।
আমাদের কর্মসূচি সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি, সরকারের কর্মসূচি, সেটা এই 39 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে দ্বিতীয় দফার কর্মসূচি, আরও দুটো দফা বাকি আছে, পরে আবার হবে। এবং এছাড়াও প্রয়োজনে আমাদের যে সমস্ত ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটররা আছেন, যেরকম 39 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, ইনিও আজকে এই কর্মসূচি হবার পরেও যদি কারো কোনো প্রয়োজন হয় সেটাতেও সাহায্য করে যাচ্ছে। আর মেলার মতো যে কর্মসূচি, সমস্ত শুধু স্বাস্থ্যসাথী নয়, স্বাস্থ্যসাথীর জন্যে এই কর্মসূচি, কিন্তু আরও 11টা যে আছে আমাদের কর্মসূচি, সরকারের কর্মসূচি, তাতেও আমরা সর্বতোভাবে আমার সাহায্য করছে। এখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক ভলেন্টিয়াররাও আছেন, মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আছেন, বিধায়ক স্মিতা বক্সী বারে বারে আসছেন, তো এখানে এছাড়াও আরও আছে আরও আরও 11টা কার্যক্রমে আমরা সহযোগিতা করছি এতে সরকার। যেরকম মনে করুন ওখানে আছে জয় জোহার, তপিসিলি বন্ধু, কৃষক বন্ধু থেকে আরম্ভ করে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সমস্ত কিছু, এমনকি ইভেন রেশন কার্ড যাদের নেই বা রেশন কার্ডের কোনো সম্বন্ধিত কোনো সেটাও হওয়া হচ্ছে, এবং এরকম ক্যাম্পের মাধ্যমে রেশন কার্ডের ফর্মও জমা নেওয়া হচ্ছে। তো স্বাভাবিক কারণে আমরা যদি দেখি অতীত, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2011 সালে এই বামফ্রন্ট জমানার মায়াবাজু সরকারের 2,03,000 টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে যে সরকার এসেছেন, সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি প্রথমেই বলেছিলেন মানুষের স্বার্থে মানুষের জনগণের হয়ে কাজ, সেটা উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। তারপর থেকে কিছুদিন আমরা দেখলাম, কিছুদিন পরেই 2011-র পর থেকে শুরু হয়ে গেল জেলায় জেলায় প্রশাসনকে তুলে নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি সমস্যা, কোথায় পোল বিলম্ব হচ্ছে, কোথায় খাল কাটা হচ্ছে না, কোথায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে না, কোথায় ওই জেলার উন্নয়ন অব্যাহত নেই, উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে না, তার জন্য উনি জেলায় জেলায় গিয়ে বৈঠক করেছে, এটা আপনারা দেখেছেন, আমরা সকলে দেখেছি। তারপরে এখন দুয়ারে সরকার অন্য সাধারণ মানুষের মানে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করছে, যদি কারো কোনো অভাব অভিযোগ প্রয়োজন থাকে সেটা বললেই আমাদের এখানে সুরাহা হচ্ছে। তো স্বাভাবিক কারণে আমরা তো অভিভূত, আমি তো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে অভিভূত, সেটা তো যেরকম হলো একজন নাগরিক হিসাবে, কলকাতাবাসী হিসাবে অভিভূত, সাধারণভাবে যেরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলকে শরিক করতে পারবো, বাংলার 10 কোটি মানুষের সুবিধা পাবে, এবং রাজনীতি না করে 10 কোটি মানুষের মধ্যে সিপিএমও আছে, বিজেপিও আছে, নকশালও আছে, সিপিএম থেকে শুরু করে কংগ্রেসও আছে, সবাই সমস্ত জনতার যাতে সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সরকারকে নির্দেশ দিয়ে এটা ত্বরান্বিত করছে। স্বাভাবিক কারণে আমরা উৎফুল্ল, আমরা খুব আনন্দিত।